जय हिंद। फाइनली हम लंदन पहुंच चुके हैं। ये लेस्टर स्क्वायर है लंदन का, चारों तरफ आप देख सकते हैं सब कुछ। ये क्रिसमस का डेकोरेशन वगैरह शुरू हो गया है, चारों तरफ लाइटिंग वगैरह है। अमेजिंग, दैट्स अ फेरारी, अ स्लीक ब्लैक फेरारी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नई सुबह और मैं हूँ बहुत ही अमेजिंग जगह पे। मैं हूँ उस शहर में जिस देश के राजाओं ने पूरी दुनिया पे राज किया था और वो यहाँ रहते हैं। सो मैं हूँ लंदन में, आई एम इन द हार्ट ऑफ लंदन राइट नाउ, और यही बकिंगम पैलेस है जहाँ पे इंग्लैंड के राजा रहते हैं, जो जिन्होंने पूरी दुनिया पे एक समय पे राज किया था। यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं इस शहर में घूमने को, देखने को, लंदन ब्रिज से लेके लंदन आई, सारी ही चीज़ें। तो आज चलेंगे सेंट्रल लंदन की तरफ, बहुत ही अमेजिंग दिन होने वाला है। सो वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ। अपने इस चैनल पे मैं दिल्ली से लंदन तक का सफ़र कर रहा हूँ और मैं ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ लंदन में। तो अगले कुछ दिनों तक लंदन को एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे बिफोर वी फाइनली हेड बैक होम। सो स्टे ट्यून्ड, अमेजिंग चीज़ें लाइंड अप हैं, आने वाली हैं। बहुत ही अमेजिंग जगह पे हम जाने वाले हैं, स्टोनहेंज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और सेंट्रल लंदन, और ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डे। मैं अभी फ़िलहाल अपने अपार्टमेंट में हूँ जहाँ पर मैंने कल अपार्टमेंट लिया था एयरबीएनबी का। ये देखिए यहाँ पे बालकनी के नाम पे कैसे होता है, ये गेट खुला एंड देयर इज़ प्रैक्टिकली नो बालकनी, सीधे ये रेलिंग है। लेकिन ये है कि ये पूरा गेट खोलने से ऐसा लगता है कि जैसे आप जो कमरा है वही बालकनी की तरह कन्वर्ट हो गया। और ये बाहर का मौसम है, बहुत बारिश हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हमारी गाड़ी हमारे पास में ही है, तो हम कार से जाएंगे तो कंपेरेटिवली सेफ़ हैं, बारिश बारिश के चक्कर में भीगना नहीं होगा। और ये वो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे ये अपार्टमेंट है, जैसे सामने के अपार्टमेंट्स हैं उसी तरह से ये वाले भी अपार्टमेंट्स हैं जिनमें हम रुके हुए हैं। बहुत ही अमेजिंग सा अपार्टमेंट है, एक कमरा है, और लंदन में इतना बड़ा कमरा मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो नॉर्मली यू डोंट गेट बिग हाउसेज इन लंदन। तो थोड़ा आपको ड्राइंग रूम वगैरह भी दिखाता हूँ और फिर नीचे की तरफ चलते हैं। सो ये कमरा है मेरा, दो रूम है, एक टेबल, और इधर साइड में ये कबर्ड वगैरह है। और इधर चलें तो ये ड्राइंग रूम का एरिया है, और इसमें ये दो तीन मतलब सोफ़ा वगैरह है, बीच में एक सेंटर टेबल है, इधर खाने पीने के लिए डाइनिंग टेबल है, और ये है किचन का एरिया हमारे अपार्टमेंट का। तो बढ़िया है, इसमें कुछ बनाने वनाने को ही मिल जाता है, यूटेंसिल्स हैं। तो इधर एक और बालकनी है जो थोड़ी अच्छे व्यू वाली बालकनी है। जय हिंद। फाइनली हम लंदन पहुंच चुके हैं और लंदन की सड़कों पे झंडा फहरा के अलग ही मजा आ रहा है, क्या बात है। ये लगी है हमारी गाड़ी यूके लंदन में, और बारिश हो रही है लेकिन फिर भी बाहर में घूम के अपने इंडिया का झंडा लहरा के बहुत मज़ा आया। अभी सेंट्रल लंदन की तरफ जाएंगे घूमने, और ये यूनिक कार है। हाँ, यहाँ तो काफ़ी सारे इंडियंस मिल रहे हैं, सब रुक के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सब कह रहे हैं फॉर्च्यूनर देख के मज़ा आ गया यूके में। तो बहुत सारे इंडियंस रहते हैं ना, तो बहुत सारे लोग रुक के अभी मिलने आए, तो बहुत ही मज़ेदार था। ये लगी है मेरी गाड़ी यहाँ पे, और ये व्यू है यहाँ का। सो ये है सेंट्रल लंदन शहर, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं बिल्कुल, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लंदन बिल्कुल नया सा, जैसे न्यूयॉर्क है, लंबी लंबी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग्स, उस तरह का कुछ होगा, बट लंदन तो बिल्कुल ही जो एकदम पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वैसा है। और स्पेशली काफ़ी दूर तक सेंट्रल लंदन और 10 किलोमीटर बाहर तक का जो एरिया है, ये सारे बिल्कुल मतलब एक पुराना जैसा फील आ रहा है, बट ठीक है, अच्छा है, इसकी एक अलग वो है। सो नाइस, सो फाइनली वी आर इन लंदन, और लंदन में हमारी फॉर्च्यूनर चल रही है सड़कों पे। ये थोड़ा थोड़ा इंडिया जैसा क्यों लग रहा है मुझे? रोड्स
थोड़ा थोड़ा मुझे इसमें इंडिया जैसी फील आ रही है. एक तो वापस राइट एंड ड्राइव है काफ़ी दिनों के बाद में, दूसरा थोड़ा सा ये रोड्स और पेवमेंट्स वगैरह भी जो हैं, जैसे हमारा थोड़ा CPEP का स्ट्रक्चर कह सकते हैं या अभी तक यूके में हम थे बिल्कुल चौड़ी क्लीन सड़कें, या जो यूके का जो ओल्ड टाउन एरिया भी था वो भी थोड़ा डिफरेंट था. मतलब वहाँ सड़कें पतली थी बट ऑर्गेनाइज था थोड़ा दूसरे तरीके से. यहाँ पे थोड़ा सा अलग है राइट हैंड ड्राइव होने की वजह से कट्स वट्स जो हैं. तो ये लंदन ब्रिज और बिग बेन के आसपास का एरिया है. लंदन सेंट्रल में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है चाइना टाउन. और ये देखिए इस जगह के फील से भी आपको पता लग जाएगा कि ये चाइना जैसी फील आ रही है. बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं चाइना में आ गया हूँ और सारे शॉप्स पे चाइनीज़ में लिखा हुआ है. सारी चाइनीज़ खाने पीने की शॉप्स हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स, चाइनीज़ सामान की दुकानें. सो दैट्स हाउ इट इज़ चाइना टाउन. सो ये हिपोड्रोम कैसीनो है, वन ऑफ द बिगेस्ट कैसीनोज इन सेंट्रल लंदन. सो मैं अभी हूँ लंदन के लेस्टर स्क्वायर में और ये लेस्टर स्क्वायर है लंदन का. चारों तरफ आप देख सकते हैं ऐसा कुछ, ये क्रिसमस का डेकोरेशन वगैरह शुरू हो गया है, चारों तरफ लाइटिंग वगैरह हैं. ये सामने में एम्पायर कैसीनो है जहाँ पे बॉन्ड जेम्स बॉन्ड मूवी की शूटिंग भी हुई थी ये एम्पायर कैसीनो में. इसके बाद में ये जो मूवी थिएटर है ओडियन, ज़्यादातर जितनी इंग्लिश मूवीज़ होती हैं उनका प्रीमियर यहीं पर होता है, या जो अवार्ड शोज़ होते हैं या वो जो रेड कारपेट कहते हैं वो रेड कारपेट मूवीज़ का यहीं पे होता है इस ओडियन थिएटर में. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिएटर स्पेशली इन सेंट्रल लंदन. और ये है चारों तरफ इसकी जो बिल्डिंग्स हैं, जो एम्बियंस हैं, हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है खूब ज़्यादा, काफ़ी सारे लोग घूमने आए होते हैं. ये है लिली वाइट स्पोर्ट्स शूज़ जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी दुकान है और ये स्पोर्ट्स वेयर बनाते हैं, जूते वगैरह. और ये 4 फ्लोर की दुकान है. इसके साथ में जैसे न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है वैसे सेंट्रल लंदन में ये जगह है विथ बिग बिलबोर्ड. ये पूरे बिल्डिंग के साइज़ का 5 फ्लोर का बिलबोर्ड है. एंड यहाँ पे सारे बड़े ब्रांड्स, लुई विटॉन, गुची, ये सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इस एरिया में हैं. और अच्छी बात है बारिश रुक गई है तो थोड़ा सा वॉक कर पा रहे हैं. वी आर इन अमोरिनो और ये अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम से एक फ्लावर टाइप का बना देते हैं आइसक्रीम का. एंड वी आर गोइंग टू ट्राई दैट. वाओ, ये प्रिंस एडवर्ड थिएटर है और ये एक बार है जिसका नाम है GAY. और इस जगह को सोहो कहते हैं. ये भी बार है, क्लब है. तो यहाँ बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स, बार्स, पब्स हैं बिल्कुल सेंट्रल लंदन में इस सोहो एरिया में. तो काफ़ी सारे लोग आते हैं स्पेशली शाम वाम को एंजॉय करने. भीड़ भी देख सकते हैं, चारों तरफ लोग यहाँ पे चलते रहते हैं. और ये पेस्टल दे नाटा जो हमने लिस्बन में ट्राई किया था वो पेस्टल दे नाटा यहाँ पे भी अवेलेबल है. और ये सब पुराने पुराने रेस्टोरेंट्स हैं. कुछ रेस्टोरेंट्स तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं. तो 100 साल, 150 साल पुराने रेस्टोरेंट्स हैं इस एरिया में. मिल गया वो रेस्टोरेंट जिसकी मुझे तलाश थी काफ़ी देर से. ये रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पॉपीज चिप्स एंड फ्राइज. सो लंदन में फ़िश एंड चिप्स जो है वो काफ़ी फेमस डिश है यहाँ की. मतलब एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि लोकल लंदन की डिश है. तो ये मैं ढूंढ रहा था, ये एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है, पॉपीज ट्रेडिशनल फ़िश एंड चिप्स. तो फ़िश एंड चिप्स ट्राई करते हैं यहाँ पे. और आ गई है लंदन की सबसे फेमस डिश, फ़िश एंड चिप्स. तो ये कुछ ऐसे सर्व करते हैं, ये फ़िश डीप फ्राइड होती है. और ये पॉपीज रेस्टोरेंट का नाम है जहाँ पे हम ये खा रहे हैं, 1952 का करीब 75. इसके साथ ये वो देते हैं सॉस वगैरह. और ये जो फ्रेंच फ्राइज होता है अपने यहाँ, एक कॉफ़ी के साथ मैंने ऑर्डर किया है. सो दैट्स माय फूड, लेट मी एंजॉय. थैंक यू. पूरा सेंट्रल लंदन घूमने के बाद में
मैं आ गया हूँ इस एरिया में और यहीं एक पार्किंग में मेरी कार लगी है. सो टाइम टू गो टू द कार. इट वॉज एन अमेजिंग डे. लंदन जिसके बारे में इतना सुना था, आज पूरा घूमने का मौका मिला और साथ में ही अपनी कार से लंदन को एक्सप्लोर करने का और यहाँ ट्रैवल करने का मौका मिला. नाउ हाउ डू वी ओपन इट. हाँ जाओ जाओ. आ गया हूँ मैं पार्किंग में. आज का दिन अमेजिंग था, बहुत सारे जगह पे घूमा. तो ये टिकट अंदर चला गया. 38 euros. 9.5 euro इज फॉर 1 hour आई बिलीव. ओके. सो ये पार्किंग का प्राइस है 4 घंटे का. 38 euros हमारी पार्किंग का कॉस्ट है. 38 euros मतलब लगभग 4000 रुपये. तो 1000 रुपये पर आवर की पार्किंग है सेंट्रल लंदन में. दैट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव आई हैव सीन सो फार. अभी इतनी जगह इतनी सिटीज़ में 1000 रुपये पर आवर के हिसाब से लगभग 4 घंटे का 4000 हमारा पार्किंग टिकट का चार्ज था. दैट्स इनसेन. दैट्स वेरी वेरी हाई. 4000 रुपये में तो होटल का रूम आ जाता है. 4000 रुपये सिर्फ 4 घंटे की पार्किंग का. और ये मेरे कार के साथ में कौन सी कार लगी है. अमेजिंग. दैट्स अ फरारी. अ स्लीक ब्लैक फरारी विथ येलो टचअप्स. ये अमेजिंग कार है. दैट्स दिस कार इज लाइक अ ड्रीम. ब्यूटिफुल. ब्लैक कलर की वजह से कर्व्स इसके क्लियर कैमरे में नहीं आ रहे होंगे, बट ये बहुत ही अमेजिंग कार है. बहुत ही अमेजिंग कार. ये पार्किंग में लगी थी किसी और की, तो हमने रिकॉर्ड कर ली. ये BMW का लेटेस्ट i8 वर्जन है जो इलेक्ट्रिक वाला है, सुपर फास्ट. और यहाँ पे मेरी कार लगी है. चलते हैं.